हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 जो आपकी चल रही है उसी के क्वेश्चन पर नेक्स्ट हैं 16 17 18 19। ये फोर क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। इन फोर क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम करवा दे रहे हैं कैसे करने हैं। वैसे क्वेश्चन जैसे इससे पहले आपको क्वेश्चन कराए थे उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन, इसमें आपके पास है cos 9x माइनस cos 5x बाय sin 17x माइनस sin 3x। ओके स्टूडेंट, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, ये देखो cos a cos x माइनस cos y। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, cos x माइनस cos y फॉर्मूला माइनस साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई बाय टू एंड साइन एक्स माइनस वाई बाय टू, ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटी यूज होगी इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसी उसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं। हम फॉर्मूला तो हमने उधर लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं यहाँ माइनस टू साइन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई पहले, नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स 9x plus 5x। ओके स्टूडेंट्स, 9x plus 5x, इसके बाद sin sin x minus y by 2, इसको ब्रैकेट पूरे को क्लोज कर दो। ओके स्टूडेंट, यहां मल्टीप्लाई का साइन को साइन दे दो अपॉन, इसी टाइप से इधर लगा लेंगे हम साइन एक्स माइनस साइन वाई। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये कौन सा होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा आपका टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखो टू कॉस एक्स प्लस वाई 17x प्लस 3x बाय टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे आगे क्या है साइन एक्स माइनस वाई यानी 17x माइनस 3x बाय टू। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इसमें आइडेंटिटी पुट कर ली दोनों के अंदर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस टू साइन कितना हो जाएगा 14, 14 बाय टू, 14 बाय टू मतलब 7x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस वाई वही 9x माइनस 9x प्लस, यहाँ पर लिख लो 9x माइनस 5x बाय टू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हमने 9x में से 5x माइनस करो, क्या बचेगा आपके पास 4x रह जाएगा। देखो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 4x, और 4x में टू पे डिवाइड करेंगे 2x। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन इसी टाइप से इधर कर दो माइनस टू 2 cos 17 प्लस 3 20, 20 हाफ 10, 10x sin इसमें से इसको माइनस करो 14 हो जाएगा 7x sin 7x से sin 7x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा के बाद पास माइनस sin 2x ऊपर से रह गया sin 2x अपॉन नीचे cos 10x, cos 10x हमें प्रूव क्या करना है माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, प्रूफ। नेक्स्ट आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 17 में देख लो इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है साइन 5x साइन 3x अपॉन cos 5x cos 3x ये है, इसमें फॉर्मूला प्रूफ करो साइन एक्स साइन वाई इसका होता है टू साइन एक्स प्लस वाई फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स वाई टू, यहाँ पर है हमारे पास कॉस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स, फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स वाई टू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नीचे हम इसमें हम लोग करेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के लिए, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स वाई टू। ओके, एंड cos 5x माइनस 3x बाय 2,
क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहां हमारे पास है sin 8x 2 यानी कि sin 4x, यहां हो जाएगा cos x अपॉन, नीचे हमारे पास है cos 4x, यहां हो जाएगा हमारे पास cos x, इससे ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास sin 4x, ओके स्टूडेंट्स, अपॉन cos 4x इक्वल्स टू ये हो जाएगा tan 4x, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, tan 4x, ये ऐसे मान लो इधर की प्लेस पर 4x है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, ऐसे 18 एंड 19 को सॉल्व करेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये हमारे पास है sin x माइनस sin y, y 2 y cos x प्लस cos y, ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला पुट करो, cos x sin x माइनस sin y, कौन सा फॉर्मूला होता है, 2 sin 2 cos a प्लस b x प्लस y by 2, ओके sin x माइनस y by 2 अपॉन cos x cos y का फॉर्मूला यूज करो, 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2, ओके स्टूडेंट, जो आपको कल फॉर्मूले को लिखाए थे उन्हें आप ध्यान रखना, बस आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, cos x plus y by 2 से x plus y by 2 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास sin x minus y by 2 upon cos x minus y by 2, अगर इस पूरे को a मान लें, ओके a मान लें, तो sin a upon cos a या theta मान लें, तो sin theta upon cos theta क्या होता है, tan theta, tan x minus y by 2, ओके students, proof, यह आपका question complete हो चुका, question number 18, इसी टाइप से 19 question और करना है, ओके स्टूडेंट्स, और आपको इन 4 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना अच्छे से, तो ये क्वेश्चन क्या हमारे पास sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x क्या हो जाएगा, sin a sin x sin y, ओके sin x plus sin y क्या होता है, 2 sin x minus x plus 3x y2 and cos x minus dx y2, ओके स्टूडेंट्स, ये ऊपर लगा दिया, नीचे इसी टाइप से लगा लो, cos x cos y क्या होता है, 2 cos x minus x plus 3x y2 और यहां पर हो जाएगा cos x minus 3x y2, ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिए, यानी कि आइडेंटिटी, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहां पर देखो ये आपका x plus 3x कितना 4x हो जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड देंगे 2x आएगा, तो sin 2x यहां पर हो जाएगा cos minus minus कितना हो जाएगा 2, 2 का 2 से डिवाइड देंगे minus 1 यानी कि x, ओके cos minus x, नीचे हम सॉल्व करेंगे cos यहां हो जाएगा 2x यहां पर हो जाएगा cos minus x, ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, cos minus x से cos minus x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास sin 2x upon cos 2x, यहां बचे हमारे पास sin 2x upon cos 2x, ओके स्टूडेंट्स, sin theta upon cos theta equals to tan theta यानी tan 2x, tan 2x प्रूफ, इसी टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट्स, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।